नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सबको आपके चैनल लेटेस्ट न्यूज़ में। तो फाइनली मैं आप सबके लिए फिर से एक बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ लेके आया हूं। आज मैं आप सबको इस वीडियो में बताऊंगा कि अपने अपने स्टेटस को मैं आप सबके स्टेटस को बारीकी से समझाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा अब सिर्फ इन्हीं स्टेटस वालों की स्कॉलरशिप आएगी। मुझे क्या कुछ DWO ने बताया तो आज मैं आप सब कुछ मैं आपको क्लियर कर देने वाला हूँ इस वीडियो में कि किन किन छात्रों की बस अब स्कॉलरशिप आएगी और इन सब छात्रों की स्कॉलरशिप नहीं आएगी। तो मैं सब कुछ इस वीडियो में लाइव प्रूफ में पढ़ के सुनाऊँगा आप सबको। मैं स्टेटस ले लेके मैं बारीकी से समझाऊँगा कि इन स्टेटस वालों की स्कॉलरशिप आएगी और बाकी स्टेटस वालों की स्कॉलरशिप नहीं आएगी। तो मैं बहुत कुछ समझाने वाला हूँ, बस आप सबको शुरू से लेके लास्ट तक वीडियो में बने रहना है ताकि आप सबको वीडियो सही से समझ में आ सके। नहीं तो आप लोग बोलेंगे कि सर आपने मेरे स्टेटस के बारे में नहीं बताया। तो मैं सबके स्टेटस के बारे में बताने वाला हूँ, बस आप सबको शुरू से लेके लास्ट तक वीडियो में बने रहना है। तो बिना देरी के अब हम स्टार्ट करते हैं। तो हम फर्स्टली स्टेटस ले लेके मैं सारे स्टेटस को बारीकी से समझाऊंगा कि किन स्टेटस की स्कॉलरशिप आएगी और किन स्टेटस की स्कॉलरशिप नहीं आएगी, क्या कुछ मुझे DWO ने बताया है। तो मैं सारा कुछ आपको बता के उसके बाद मैं इस पर प्रॉपर बात करने वाला हूँ। तो आप लोग को शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो में बने रहना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं स्टेटस ले लिया हूँ। तो मैं आपको बता दूँ जिन बच्चों का स्टेटस इस प्रकार शो कर रहा है, सस्पेक्ट डाटा ब्लॉक फ्रॉम डायरेक्टरेट डुप्लीकेट इनकम डुप्लीकेट और कास्ट, इतना सारा इशू शो कर रहा है, उनको बताया DWO की तरफ से ये नोटिस जारी कर दी गई है कि इन बच्चों की स्कॉलरशिप अब नहीं मिल पाएगी। तो ये बहुत बड़ी दुख वाली न्यूज़ है ये इन बच्चों के लिए। अभी मैं आपको बताऊंगा कंप्लीट और किन किन बच्चों की नहीं मिल पाएगी और किन बच्चों को मिल पाएगी, तो मैं सब कुछ बताने वाला हूँ। तो भाई ये आपको बारीकी से समझ लेना है कि इन बच्चों की स्कॉलरशिप अब नहीं मिल पाएगी। तो मैं और बच्चे हैं, मैं जितने बच्चे हैं मैं सबको लेके मैं बता देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं जिन बच्चों का रिजेक्ट बाई डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी शो कर रहा है उनकी भी स्कॉलरशिप अब नहीं आएगी। तो आपको भी मैं आपको बता दूँ, आप भी परेशान मत होइए, आप अगली साल का इंतज़ार कर लीजिए, आपकी स्कॉलरशिप आनी रहेगी तो अगली साल आ जाएगी। और मैं बच्चों का ले लेता हूँ जितने भी स्कॉलरशिप के स्टेटस हैं यहाँ पे देख सकते हैं जिन बच्चों का इस प्रकार से शो कर रहा है स्टेटस ब्लॉक ड्यू टू मार्क नॉट मैच विथ इंस्टीट्यूट फील्ड मार्क, तो इन बच्चों की भी स्कॉलरशिप नहीं आने वाली है। तो मैं आपको सब कुछ बताऊँगा कि किन बच्चों की आएगी और किन किन की नहीं आएगी। तो इनको भी परेशान नहीं होना है, इनकी भी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। तो मैं आपको बता देता हूँ और कौन कौन से बच्चे हैं जिनकी, यहाँ पे देख सकते हैं जिन बच्चों का ब्लॉक बाय डायरेक्टरेट शो कर रहा है इनकी भी स्कॉलरशिप आने के, इनके वो तो 100% नहीं बोल पाऊँगा लेकिन इनके 50/50 समझ के चलिए आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। आ भी सकती है नहीं भी आएगी, मैं आपके साथ 100% श्योर नहीं हूँ लेकिन आपकी स्कॉलरशिप समझ के लिए 50/50 समझ के चलिए। और मैं स्टेटस ले लेता हूँ बाकी सभी बच्चों का, मैं स्टेटस लेके बताऊँगा ताकि आप सबको सही से वीडियो समझ में आ सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिन बच्चों का ब्लॉक D2 प्रमोटेड विदाउट मार्क, यहाँ पे देख सकते हैं इंस्टीट्यूट फ्रेश एप्लीकेशन प्रीवियस ईयर डिटेल सस्पेक्ट रिन्यूअल, तो इन बच्चों की भी स्कॉलरशिप नहीं आने वाली है। तो दोस्तों आपको भी परेशान नहीं होना है, आपकी भी स्कॉलरशिप नहीं आएगी, अगली साल ट्राई करिएगा, अगली साल अगर आनी रहेगी तो आपकी आ सकती है। क्योंकि मैं आपको बता दूँ आप लोग ने कुछ करा नहीं अपने लिए, अपने लिए अगर आप लोग करे होते तो स्कॉलरशिप इस साल आता तो अगली साल का भी आप लोग को चांस नहीं रहेगा आने का। लेकिन आप लोग फॉर्म भर लीजिएगा, बाई चांस सरकार अगर गवर्नमेंट चेंजिंग होता है तो आप सबकी स्कॉलरशिप आएगी। और मैं बता देता हूँ किन किन बच्चों की नहीं आएगी, मैं सारे स्टेटस को लेके बारीकी से समझाऊंगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं जिन बच्चों का स्कॉलरशिप फीस रिम्बर्समेंट अमाउंट नॉट डिसबर्स ड्यू टू अनबिलिटी या फंड, ऐसा स्टेटस वो कर रहा है उनकी स्कॉलरशिप फंड आ जाता है तो इनकी स्कॉलरशिप गारंटी है मिल जाएगी। क्योंकि मैं आपको बता दूँ इस समय फंड के कम होने के कारण स्कॉलरशिप जिले वाइज से दिया जा रहा है। अगर आप भी जिस भी ज़िले के हो चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लेना, अगर कोई भी न्यूज़ आएगा आपके ज़िले के लिए तो मैं आप सबको अपडेट करता कर दूँगा। और मैं आपको बता दूं आपकी स्कॉलरशिप आ सकती है, फ़ंड जैसे आता है मैं आपको बता दूंगा आप किसी भी ज़िले के रहेंगे आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी। तो मैं और बच्चों का ले लेता हूं, यहां पे देख सकते हैं मैं सारे बच्चों का लेके बताऊंगा, कॉलेज डज नॉट प्रोसेस एनबीए ग्रेडिंग एक्टी अप्रूवल प्रोफेशनल फर्स्ट ईयर कोर्सेज, मैं आपको बता दूँ आपकी भी स्कॉलरशिप आने के कम चांसेस हैं। लेकिन आप मान के चलिए
50-70% मान के चलिए आ सकती है, आप आ सकती में रहिए, लेकिन आपकी स्कॉलरशिप 100% मैं श्योर नहीं हूँ कि आपकी स्कॉलरशिप है। मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, जो मैं DWO की तरफ से मैंने ये सब कुछ मैंने इकट्ठा करके मैंने रखा है, मैं आपको वही कुछ शेयर मैं कर रहा हूँ। और मैं आप बात कर लेता हूँ किन किन बच्चों की स्कॉलरशिप आएगी, तो मैं फर्स्टली मैं स्टेटस ले लेता हूँ, उसके बाद मैं आप सबको बारीकी से समझा दूंगा। यहाँ पे देख सकते हैं जिन बच्चों का ब्लॉक ड्यू रिजल्ट नॉट डिक्लेयर और नॉट प्रमोटेड ITI सेकेंड ईयर, इन बच्चों की स्कॉलरशिप आएगी। क्योंकि मैं आपको बता दूं इन बच्चों की स्कॉलरशिप क्यों आएगी, इन लोग का जो कोई जेन्युइन इशू नहीं है कि इनकी स्कॉलरशिप ना आए, तो इन लोग को प्रमोट किया गया है, तो ये प्रमोट का कोई इनका जेन्युइन इशू नहीं है, ये गवर्नमेंट इशू है, इनकी स्कॉलरशिप आएगी। बस इन्हें क्या करना रहेगा, अपने DWO ऑफिस जाके अपने स्टेटस के बारे में बारीकी से समझ लें। अगर आप वहाँ पर जाते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा, आपकी स्कॉलरशिप आ सकती है। और मैं आपको बता दूं तीन बच्चों का स्टेटस इस प्रकार शो कर रहा है, स्कॉलरशिप अपरेंस 53,000 एंड फीस रिम्बर्समेंट अपरेंस 30,000 रुपीज़। मैं आपको बता दूं 5300 यहाँ पे है, तो डिसबर्ड इन योर आधार बेस्ट बैंक अकाउंट, तो इन बच्चों की स्कॉलरशिप 100% आएगी। आपको परेशान नहीं होना दोस्तों, आपको भी DWO ऑफिस चले जाने, अपना स्टेटस लेके आपकी भी स्कॉलरशिप आएगा, वहाँ पे पूरा समाधान आपको दिया जाएगा। ये मैं आपको बता दूं जिन बच्चों की स्कॉलरशिप का स्टेटस इस प्रकार से शो कर रहा है, वो सारे बच्चे DWO ऑफिस जाके अपना समाधान ले सकते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, वहाँ पे जाके वो ये सब कुछ समझ सकते हैं। और मैं आपको बता दूं जिन बच्चों का इस प्रकार से स्टेटस शो कर रहा है, तो मैं सारे स्टेटस को लेके बताऊंगा। तो जिन बच्चों का वेरीफाई रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी शो कर रहा है, वो भी अपने DWO ऑफिस जाके एक बार बोल दे कि सर मेरा इस प्रकार से शो कर रहा है, तब क्यों स्कॉलरशिप नहीं आई। आपको मैं बता दूं, अगर ऐसा आप कंप्लेन कर देते हैं, एप्लीकेशन लिख देते हैं, तो आपकी स्कॉलरशिप 100% आ जाएगी। तो इन बच्चों का ऐसा कर लेते हैं, अगर जिन बच्चों को मैंने नहीं लिया हूं नाम, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बोल दीजिएगा, या आप हमारे इंस्टाग्राम ID @1c2456 पे DM कर सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको प्रॉपर समझाऊंगा कि आपकी स्कॉलरशिप क्यों नहीं आई। जिन बच्चों का मैंने नहीं लिया है, तो मैं आपको बता दूं इन बच्चों की मैंने जिनका बताया है उनकी स्कॉलरशिप आएगी, और इन सब बच्चों की बाकी बच्चों की स्कॉलरशिप नहीं आने वाली है। तो इन बच्चों को इंतज़ार कर लेना है, इन सभी बच्चों की स्कॉलरशिप आएगी। अगर मैंने जिन बच्चों के स्टेटस को नहीं लिया तो कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा, मैं अगले वीडियो में फिर से बता दूंगा। तो जय हिंद दोस्तों, आपको कोई भी दिक्कत आता है कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, अन्यथा इंस्टाग्राम @1c2456 पे DM कर दीजिएगा। तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। जितने भी भाई लोग हो, चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो, ताकि मैं कोई भी छोटी बड़ी अपडेट लेके आऊँ तो मैं आप सबको अपडेट कर सकूँ। तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।